दोस्तों, देश के सबसे बड़े फ्लॉप एक्टर अर्जुन कपूर की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है कुत्ते। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज ने, और इस ट्रेलर को देखकर मुझे एक कहावत याद आ गई कि घोड़े पे जाता है घोड़ा और बेटा जाता है बाप पर, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। विशाल भारद्वाज ने जिंदगी भर गालियों से भरपूर फिल्में बनाई हैं और बेटे ने भी वही किया है क्योंकि बेटे ने वही बाप से सीखा है। तो इस ट्रेलर में भी खूब मां बहन की गालियां भरी हुई हैं। कमाल यह है कि अगर कोई यही गालियां सोशल मीडिया पर दे तो बदतमीज है, बेवकूफ है, बहुत ही घटिया इंसान है, और अगर वही गालियां ये फिल्म मेकर्स फिल्म में दे तो वो क्रिएटिविटी है, वो तो एक कमाल का काम है भाई साहब। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि बॉलीवुड वालों में इतना दोगलापन क्यों है। भाई अगर आप क्रिएटिव हैं और आप अपनी फिल्मों में मां बहन की खूब गालियां दे सकते हैं तो जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, वो भी आपकी तरह मां बहन की गालियां देने के लिए फ्री होने चाहिए, तो फिर आपको उनसे एतराज क्यों होता है। और फिल्म का नाम देखिए कुत्ते, यानी कि जो कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं उनको कुत्ता कहा जा रहा है और वही कलाकार हंसकर इस फिल्म में काम कर रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए। यह इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड वाले पैसे के लिए कहीं तक भी गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। यह ट्रेलर देखकर मैं गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि यह एक बहुत ही निहायत घटिया और वाहियात फिल्म है। और सोने पे सुहागा यह है कि इस फिल्म का मेन लीड हीरो अर्जुन कपूर है जो ये कहता है कि पब्लिक को बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट करने का कोई हक नहीं। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। अर्जुन कपूर का कहना यह है कि बॉलीवुड वालों की सबसे बड़ी गलती यह है कि जब लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट करना शुरू किया तो बॉलीवुड वाले चुप रहे। बॉलीवुड वालों को उसी टाइम पब्लिक को सबक सिखा देना चाहिए था और पब्लिक को घर से उठाकर मार मार कर फिल्में दिखानी चाहिए थी। और अब तो अर्जुन कपूर भाई को इतना गुस्सा आ गया है, उन्होंने ये ठान लिया है कि वो पब्लिक का बॉयकॉट करेंगे, वो अपनी फिल्म खुद बनाएंगे, खुद घर पर रिलीज करेंगे और खुद ही देखेंगे, है ना अर्जुन भाई? बहुत बढ़िया भाई साहब। भाई साहब ये डिसीजन आपका बिल्कुल ठीक है, आप पब्लिक का बॉयकॉट कर दो भाई जी। अरे भाई साहब आपकी अकल कहाँ है भाई साहब? मुझे लगता है आपकी जो अकल है ना वो आपके मोटापे में कहीं धसके रह गई है, आपके घुटनों में चली गई है। भाई साहब आज अगर आप छोटे मोटे एक्टर भी हो ना, ये तो हमें पता है कि आप बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्लॉप एक्टर हो, लेकिन अगर वो भी हो ना तो वो भी पब्लिक की वजह से हो। अगर पब्लिक चाहे तो आपको कुत्ता ही बना दे। अभी इस फिल्म का तो नाम ही कुत्ते है और ऊपर से ट्रेलर इतना घटिया है, इतनी गालियां हैं कि जाहिर सी बात है इस फिल्म को कुत्ते भी देखने नहीं जाएंगे, इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कुत्तों को अनुमति होती तो कुत्ते अर्जुन कपूर और इस फिल्म के बनाने वालों पर मानहानि का मुकदमा कर देते कुत्तों का नाम खराब करने के लिए। तो कुल मिलाकर रिजल्ट यह है कि इस फिल्म को डिजास्टर होने से कुत्ते भी नहीं बचा सकते। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। यह फिल्म पहले दिन मैक्सिमम 5 से 10 लाख रुपए का बिजनेस करेगी और यह अर्जुन कपूर की लाइन से 12वीं सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म होगी। अब तो मेरे ख्याल में अर्जुन कपूर को खुद ही शर्म आ जानी चाहिए और उसने खुद ही एक्टिंग से संन्यास ले लेना चाहिए, पब्लिक को माफ कर देना चाहिए। भाई साहब माफ कर दो। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।